हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ऋतु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज जिस मेडिसिन पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है एलियम सिपा। तो मैं आज एलियम सिपा के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ दूंगी। एलियम सिपा के कहाँ कहाँ एक्शन होता है बॉडी में, ये किसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किस डोजेज में यूज़ कर सकते हैं, तो आज इसी पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं एलियम सिपा के बारे में। तो सबसे पहले इसका एक्शन कहाँ कहाँ होता है आपकी बॉडी में, तो ये होता है आपके नेज़ल मतलब सिम्टम्स के लिए, नेज़ल ट्रबल के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है एलियम सिपा। तो ये आपके नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन में काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो आपके नोज़ के जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है आपका, वहाँ पर कुछ भी चीज़ें होती हैं, इन्फ्लामेशन होती है, डिस्चार्जेस बढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे कि आपके वहाँ पर पॉलिप्स हो जाना, साइनस इन्फेक्शंस हो जाना, तो बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ ही साथ आपके कंजक्टिवा में भी करती है, क्योंकि इसमें जब भी आपको नेज़ल सिम्टम्स के साथ में आपको नेज़ल आइज़ के डिस्चार्जेस भी मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेयरिंग होने की वजह से इसमें आंसू भी आते हैं। देन इसके अलावा आपको मिलता है इसका एक्शन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि आपका लंग इन्फेक्शनटेड भी होगा और साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइन में, नर्व्स में और वेन्स में भी एक्शन दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं इसके और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो होती है स्पेशली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन कहलाई जाती है। तो लेफ्ट साइडेड का मतलब होता है कि मेन अफेक्शन इसका लेफ्ट साइड होगा, बट लेफ्ट टू राइट भी सिम्टम्स जाते हैं। तो पहले जो है आपको सिम्टम्स लेफ्ट साइड दिखाई देंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। एक इसका एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है, ये पेशेंट जो होता है हॉट पेशेंट होता है, मतलब कि होम्योपैथिक में हॉट एंड कोल्ड स्पेशली डिस्क्राइब किया जाता है कि चिली पेशेंट है कि हॉट पेशेंट है। तो ये हॉट पेशेंट होता है क्योंकि जिसको हॉट चीज़ों से ज़्यादा एग्रावेशंस होते हैं। तो जनरली जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वहाँ पर उनको कोल्ड चिली पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको ठंड की वजह से जल्दी सर्दी जुकाम मिलता है। बट इसमें ये डिफरेंस है कि ये हॉट पेशेंट होता है। तो उसके क्या सिम्टम्स मिलेंगे वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं नेज़ल सिम्टम्स है। तो नेज़ल सिम्टम्स उसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस होना, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस होना, वाटरी होना, थिक येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्जेस भी समटाइम्स, जब वहाँ पर कंडीशन बढ़ जाती है, क्रॉनिक कंडीशन में पहुँच जाती है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी जो नेज़ल डिस्चार्जेस चेंज हो जाते हैं, ग्रीनिश हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं। तो बहुत इफेक्टिव होती है एलियम सिपा मेडिसिन। साथ ही साथ इतने ज़्यादा इनके ऑफेंसिव डिस्चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि साथ ही साथ जो है इसमें ऑफेंसिवनेस तो आता ही, प्रोफ्यूज भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे इसमें होते हैं कि आपके जो है छिल जाती है आपकी नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे ऊपर की स्किन, नेज़ल एलाई हो, अपर लिप हो, ये बिल्कुल जो है छिल जाते हैं। इसमें एकदम टियरिंग टाइप की हो जाती है कि जब आपको डिस्चार्जेस होते हैं। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा सर्दी होगी कि वो उनको क्लीन करते करते उनको वहाँ पर पेन और बर्निंग सेंसेशंस होने लग जाते हैं। एंड इसके अलावा इसमें कफिंग इस तरीके से होती है, आपको लैरेंजाइटिस होता है, लैरेंजाइटिस में खांसते खांसते भी अंदर के लैरिंग्स में की म्यूकस मेम्ब्रेन में भी जो है टियरिंग हो जाती है और वहाँ पर भी आपको एकदम फंसा हुआ लगना, एकदम छिला हुआ लगना, खांसते खांसते थ्रोट पेन होने लग जाना उस वजह से। तो जो है खांसी के बाद अगर थ्रोट पेन हो रहा है, पर्टिकुलर खांसने पे आपको हो रहा है कि वहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, तो उस वहाँ पर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। और भी कई सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको कोलिक, जैसे मैंने बताया कि और भी जगह से एक्ट करती है, तो वहाँ पर कोलिक में अगर आपको पेट दर्द होता है और स्पेशली ठंडी चीज़ें खाने के बाद में होता है कि आपने अगर कुकुम्बर खा लिया है, सैलड्स खा ली हैं, तो उस ठंडी चीज़ें खाने के बाद पेट में दर्द होने लग जाना, ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम इसका ये भी होता है। और न्यूरेलजिक पेंस होना, क्योंकि जहाँ पे भी सर्दी जुकाम है तो आपने देखा डल हेडेक मिलता है, न्यूरेलजिक फेस पे पेन दिखता है, बहुत ज़्यादा पेन जो है आपको पूरे फेस पे फेशियल पेन होने लग जाता है सर्दी जुकाम में, तो वैसा ही पेन इसमें भी मिलता है। और इसमें एक मेन सिम्टम जो मैंने जैसे कि बताया कि हॉट पेशेंट होता है, तो जब भी इसको सर्दी जुकाम होता है सफोकेशन होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, तो स्पेशली बंद कमरे में गर्म जगह पे इसको ज़्यादा बेचैनी होती है, घबराहट होती है, और जैसे ही थोड़ी ठंडी जगह पे जाता है या खुली हवा में जाता है तो इससे उसको बहुत आराम लगता है। और जैसे कि नोज़ बंद हो जाती है, अगर ब्लॉक नोज़ होती है इसकी सर्दी के कारण, तो गर्म जगह पे ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही खुली हवा में जाएगा, ठंडी हवा में जाएगा, इसको आराम लगने लग जाएगा। तो इस टाइप के सिम्टम्स देखे जाते हैं एलियम सिपा में। तो और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको हेडेक भी किस टाइप का है, डलनेस है, आँखों से पानी आना सर्दी जुकाम में, पॉलिप्स बढ़ जाना, तो पॉलिप्स पे भी काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि ये नेज़ल आपके ट्रबल्स की मेडिसिन होती है। तो इस सब कंडीशंस में आप एलियम सिपा को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं डोजेस पे। तो डोजेस स्पेशली जो है आप इसको
3CH पोटेंसी हो गई, आपकी 30CH पोटेंसी होगी, 200CH पोटेंसी होगी और 1M पोटेंसी हो गई। तो सभी पोटेंसीज में यूज़ किया जा सकता है। और अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप इसको 3X में यूज़ करिए, 3CH में यूज़ करिए और रिपीट कर सकते हैं दिन में 3 बार तक। और अगर 200 पोटेंसी में कर रहे थे दिन में 1 ही बार यूज़ करिए। और अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक हो गई है और वहाँ पर इस सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो 1M पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार बस लीजिए। तो इस तरीके से आप डोजेस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज की आपको मेडिसिन कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया, और अगर आपके सिम्टम्स ऐसे मैच करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करके, शेयर करके और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।